एवरीवन, अभी तक बेटा अपन ने पढ़ा है वो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ रहे थे अपन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब जंगली जो जीवन है उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, किस तरीके से प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाए, कैसे एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाए। तो उसके लिए जो नेशनल पार्क हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, सेंचुरीज हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो बनाए गए हैं। तो अभी तक अपन ने इन तीनों के बारे में स्टडी कर लिया था। तो तीनों का कंपैरिजन अगर करें तो देखो तीनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है। नेशनल पार्क जो है वो क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं वो तो एक तो ये है कि इनके अंदर जानवरों को चराना है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। और ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो आपको सभी को ध्यान रखना है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं यहाँ पे जानवरों को चराना है वो अलाउ नहीं होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और यहाँ पे कोई भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी एक्टिविटीज़ मतलब उनकी एंट्री है वो यहाँ पे बिल्कुल से बंद होती है, ठीक है। और कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि मतलब प्रमोट हो गए टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए, और जो कंट्रोल मैनेजमेंट और जो पॉलिसी मेकिंग का जो भी काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है। नेशनल पार्क के अंडर में ये सारा होता है। और नेशनल पार्क इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बोला था, ये सारे याद करने हैं आपको, अलग अलग ये टेबल पूरा अच्छे से याद करनी है। फिर सेंचुरीज़ क्या होती हैं, वही वाली बात इसमें लिखनी है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल से बैन होता है, ठीक है, यहाँ पे शिकार करना बैन होता है। वहाँ पे प्राइवेट जो नेशनल पार्क के अंदर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ वगैरह करती हैं वो बिल्कुल से बंद होता है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एंट्री अलाउ होती है यहाँ पे, लेकिन जो एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं वो मतलब क्रिएटिव होनी चाहिए, और दूसरा वो जो फॉरेस्ट लाइफ है उसको अफेक्ट नहीं, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, तब है तभी अलाउ होती है, ठीक है। ये सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज राजस्थान में कौन कौन सी हैं, इंडिया में कौन सी हैं, ये सारी मैंने आपको पढ़ाई थी, आप लर्न कर लेना। उसके बाद थर्ड था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये भी नेचुरल एरिया होता है जो कि एक मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए ऐसा प्लेस जो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए डिक्लेयर कर दिया जाए वो वाला क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इसके अंदर बताया गया था देखो कि मतलब 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो सेटअप किए गए हैं 128 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें इंडिया के अंदर 18 हैं। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, वो एग्जिस्टेंस में आया कौन सा, नीलगिरी वाला, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ है, कर्नाटक केरला के अंदर। तो ये फॉरेस्ट लाइफ जो कंजर्वेशन है उसके लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। तीनों चीज़ों को मैं कंपेरिजन बता दिया है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क है वहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एंट्री बिल्कुल से बंद होती है, और ये नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, यहाँ पे जानवरों को चराना अलाउ नहीं होता है। सेंचुरीज़ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल से बैन होता है। और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ करवाती हैं अगर वो क्रिएटिव हैं और जो फॉरेस्ट लाइफ है उसको कोई भी वो मतलब एडवर्सली अफेक्ट ना करें तो उनकी एंट्री है वो अलाउ होती है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो ऐसे प्लेसेस होते हैं जो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, वो सामने आया, एग्जिस्टेंस में आया। तो ये हो गए अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। अब अपन पढ़ेंगे अपन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, किस तरीके से वाटर को मैनेज किया जाए, ये सारा अपन आज की क्लास में ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए वैल्यूएबल नेशनल असेट एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन, ठीक है। वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए वैल्यूएबल नेशनल असेट, पानी को एक वैल्यूएबल कीमती संपत्ति जो है, राष्ट्र की कीमती संपत्ति जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए, एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन, और इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इसको कंजर्व करना बेटा अपने लोकल एरिया में अपने ही देख लो, मतलब पिलाने के अंदर पानी की बहुत, अब के टाइम में पिलाने के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो मतलब अगर अपन वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो आगे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसको एक तो राष्ट्र की जो कीमती संपत्ति है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए,
और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड है, रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड बाय वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। अब वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो है उसके तरीके, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को कंजर्व किया जाना चाहिए, मतलब पानी को इकट्ठा किया जाना चाहिए। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड, बारिश का पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बारिश का जो पानी उसको कलेक्ट किया जाना चाहिए। देखो आप लोगों ने देखे होंगे गाँव में भी आजकल, मतलब जो बड़े बड़े गवर्नमेंट है वो कुंड बनवा रही है, ठीक है, वो उसके अंदर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो अपने इनका छतों का जो पानी है उसका उसके अंदर कनेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और आजकल तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो, मतलब वो लोग भी करते हैं जैसे छतें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो वाला तरीका वो बनाते हैं पहले से, उसमें सेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए। थर्ड है, द वेस्टेज ऑफ वाटर इज डोमेस्टिक यूज शुड बी स्टॉप्ड। अब जो वेस्टेज है वाटर का, जो डोमेस्टिक यूज़ मतलब जो अपने घरेलू अपन यूज़ करते हैं, वेस्टेज करते हैं पानी का, वो स्टॉप करना चाहिए। मतलब पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही नहाने धोने में काम में लेना चाहिए, फालतू में पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ, ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड। और ग्राउंड वाटर जो है उसको एक्सप्लॉयट नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, ठीक है। फिर है, वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। और पानी को पॉल्यूट होने से रोकना है, वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड होने से रोकना चाहिए, पानी को गंदा नहीं होने देना चाहिए। पानी गंदा किस वजह से होता है, देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं। अपने जैसे गांव में तालाब होते हैं, ये नदियां होती हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, जाकर के कपड़े धोते हैं या फिर जानवरों को नहलाते हैं, या फिर कोई भी वेस्टेज जो भी कचरा कूड़ा कचरा करकट होता है वो उसके अंदर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर है वो गंदा हो जाता है। और उस पानी के पीने से बीमारियाँ भी बहुत सारी फैल जाती हैं, और वो पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है उसको पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए। उसके बाद अब वाटर शुड बी रिसाइकिल, वाटर को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। देखो आपने अभी 8th क्लास में भी मैंने पढ़ाया आपको कि वाटर को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए पानी को, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्लोरीनेशन किया जाता है उसका, अलग अलग उसके वजह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनें होती हैं, उनमें से गुजारा जाता है, जिसमें से उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है, तो उसको रिसाइकिल करना चाहिए। उसके बाद है, द रिवर शुड बी जॉइंट फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड फ्लड कंट्रोल। जो रिवर्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर इस तरीके से जॉइंट किया जाना चाहिए, यूटिलाइजेशन इनका किया जाना चाहिए कि मतलब उनके अंदर जब बाढ़ आ जाए तो इस तरीके से उनमें सेटिंग होनी चाहिए कि उनका जो पानी है, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जब डल जाए तो वो पानी कहीं और दूसरे वाटर सोर्सेज के अंदर जा सके, या पानी का मतलब वेस्टेज ना हो फ्लड आने से, ठीक है, तो वो भी पहले से ही मैनेज किया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट है, इरिगेशन शुड बी डन बाय ड्रिप सिस्टम। इरिगेशन बेटा एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जो आप पढ़ गए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, 8th क्लास के अंदर आपने स्टडी किया है स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो ये फंवारे होते हैं, नोजल जो होते हैं आप खेतों में लगाते हैं, तो उसकी बजाय किस तरीके से ड्रिप सिस्टम से और वो किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बूंद बूंद पानी जाता है, वो पानी वेस्ट नहीं होता और कहीं नहीं जाता है। तो जो ड्रिप सिस्टम है उसके अंदर वो पानी है, मतलब जो वो कैरी टाइप सी बना दी जाती हैं और उनके अंदर पाइपलाइन छोड़ दी जाती है, जिससे पानी ड्रिप ड्रिप करके उसमें जाता रहता है, वेस्ट पानी का नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सारे रास्ते अपना करके हम लोग जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो वाटर है उसको कंजर्व किया जा सकता है, पानी का वेस्टेज है उसको रोक करके, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड हैं, एक तो देखो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट है और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये अपन स्टडी करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।